तो जी दोस्तों, यहाँ पर मैं बस अड्डे के सामने आ गया हूँ और बस अड्डे के सामने जरा दुकानों के हाल देखो। सबने धूप से बचने के लिए यहाँ पर आगे पर्दे लगा दिए। तो मेरा यहाँ, मैंने न्यूज़पेपर में देखा था आज की चार धाम यात्रा की वजह से यहाँ गाड़ियाँ कम निकल रही है, जिस कारण यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो देखते हैं क्या वाकई में ऐसा हो रहा है इधर। ये अभी मैं रोडवेज की तरफ जा रहा हूँ। मैंने इतना ये बस अड्डा कभी भी इतना खाली नहीं देखा जितना अभी हो रखा है। पीछे देखो, तीन चार ही गाड़ी लगी हुई है यहाँ पर, बहुत सारी गाड़ी निकल गई है चार धाम के लिए। हालांकि दिल्ली वगैरह के लिए तो स्थिति अभी ठीक बनी हुई है। भैया, यहाँ गाड़ियों की दिक्कत तो नहीं हो रही है जब से चार धाम की यात्रा शुरू हुई? बीच में थी, अब होगी भीड़ भाड़, अभी तो नहीं है, 11-12 बजे तक रहती है। तो सवारी को वक्त लग रहा है जाने में गाड़ियों की कमी की वजह से? गाड़ी के घंटे में गाड़ी मिल जा रही है, दिल्ली लग जाती है, 3 बजे तक जाती है ना ऐसे लास्ट हमारी। नहीं, वो तो जाती है, लेकिन अभी जो चार धाम यात्रा चल रही, कितनी गाड़ी लगी यहाँ से वहाँ? गाड़ी जा रही है, हमारे भी कितनी गाड़ी जा रही है, 7-8 गाड़ी जा रही है, वो सब पहाड़ी रूट वाली। हाँ, पहाड़ वाली। तो दिल्ली के लिए तो यहाँ पर मिल जा रही है गाड़ी, लेकिन पहाड़ी रास्तों के लिए हो रखी दिक्कत अभी। पौड़ी की लाइन की। अच्छा, एक श्रीनगर में कोई गाड़ी आती थी वो भी नहीं आ रही है। अच्छा, वो आई नहीं रही है ना, वो भी यात्रा। तो ये तो जीएमओ की भी तो गई होगी यात्रा में, होगी तो वहाँ एक भी गाड़ी नहीं है, वहाँ ज्यादा दिक्कत होता है। तो अभी तो दिल्ली क्योंकि प्लेन्स में आता है तो दिल्ली में ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रीनगर पौड़ी की जो गाड़ियाँ है वो नहीं मिल पा रही यहाँ से। ये रोडवेज का हिसाब है, मैं आपको जीएमओ की तरफ ले जाता हूँ। जीएमओ में तो हो सकता है एक गाड़ी भी ना हो खड़ी वहाँ, क्योंकि जीएमओ होती है प्राइवेट गाड़ी, तो वहाँ चार धाम के लिए निकल जाते हो। ओ भाई, जीएमओ में एक गाड़ी लगी हुई है केवल, और ये हरिद्वार वाली तो लगी रहेगी क्योंकि ये प्लेन्स का रास्ता है। अरे क्या हो गया है, मुझे तो लग रहा है अब टैक्सी वाले ले जा रहे हैं। एक गाड़ी खड़ी हुई है केवल, ये भी वैसी कोड वाली खबर है इसमें। ये रूट जो बंद हो गए यहाँ से गाड़ियों के? हाँ जी, चार सर्विस जाते थे ना वहाँ कोई जा पा। अच्छा, बाकी जो चल तो सभी गाड़ी की कमी हो गई। तो जीएमओ की 40% गाड़ी यात्रा में चले गई है, और दिखाओ तो सही, अभी एक जीएमओ की एक गाड़ी नहीं लगी हुई है। यानी अगर आपको अभी कहीं जाना होगा पहाड़ी रास्तों में, तो अभी केवल कोई गाड़ी नहीं है, रोडवेज की भी नहीं लगी हुई है, रोडवेज की भी दिल्ली की लगी हुई है। गाड़ियाँ भी लगी हुई है सवारी के लिए, मैं वो दिखाता हूँ आपको। एक तो ये हरिद्वार वाली लगी हुई है, एक ये आगे दिल्ली की लगी हुई है, यहाँ पर लगी रहती है तो हर समय, रोडवेज का ऑफिस यहीं पर ही है। एक ये नोएडा की लगी हुई है, मोहन नगर। ये तो कोई दिल्ली वाला जाएगा वो भी पहुँच जाता है मोहन नगर। तो ये कि अगर आप पहाड़ी रास्तों में अभी निकल रहे हो कोटद्वार में, ये हमारा 1 जून लग गया आज, जब तक चार धाम यात्रा है तब तक आपको बहुत इंतजार का समय का इंतजार करना पड़ सकता है। बस खराटा बस है, देखे चले इस बस के अंदर, आपको जरा दिखाते हैं। जब मैंने हेलमेट में फोन लगाए रखा है तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज तो दिखानी पड़ेगी, नहीं तो रास्ते तो बोरिंग है। अरे बहुत, ये मेरा फोन हो गया, देखो यहाँ बिल्कुल कबाड़ा बन गया इसका, तो कचड़ा कबाड़ी ले सकता है। तो ये मुझे लग रहा है जीएमओ की गाड़ी रही होगी, और स्टीयरिंग की हालत और सीट देखो यहाँ पर, और नीचे का सारा इंजन गायब। ये जंक लग गया पूरी गाड़ी में, ये लगभग आपकी 1 साल हो गया होगा इस गाड़ी को इधर। तो जो ये खाओ रेस्टोरेंट है यहाँ पर कॉलेज के सामने, यहीं पर ही ये बस। चलो, कांच पड़े थे, नंगे पांव मत आना इधर। चलो, ये है बस यहाँ की। ऐसे
गाड़ी आपको बाजार साइड दिखती रहती है, मैक्स हो गई या बस हो गई, जो जिनका एक्सीडेंट हो जाता है और या फिर पूरे तरीके से खिंची जाती है जो बसें गाड़ियाँ, उनको ऐसे सड़क के किनारे खड़े कर देते हो।